हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। 2024 में जो नवरात्रि है वो पड़ रही है 9 अप्रैल की। यानी सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान करने के बाद माँ की आराधना करनी है, चौकी स्थापित करना है और विधवत लाल कपड़ा बिछाकर माँ को स्थापित करें, दीप जलाएं और जैसे आपके घर में पूजा होती आई है वैसे करें। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते ही होंगे आप, तो आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व बताने जा रही हूँ कि इसका पाठ का महत्व क्या है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ दुर्गा को पूरी तरह समर्पित है, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से माँ ने देवों और संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों का वध किया था। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है, जो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसकी रचना 400 से 600 ईस्वी के बीच हुई थी और दुर्गा सप्तशती को सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। इसमें 13 अध्याय हैं, जिनमें कवच है, अगला है, कीलक शामिल है। जो साधक इस पवित्र पाठ को करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले कवच, अगला और कीलक से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर इनकी शुरुआत करे बगैर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर देता है तो उसका पाठ अधूरा माना जाता है। इस पाठ से साधक के जीवन में सारी मुश्किलों का अंत होता है, परिवार में खुशहाली आती है और घर में सदैव माँ लक्ष्मी का मतलब निवास बना रहता है। तो दोस्तों, हाल में ही चैत नवरात्रि आ रही है, 9 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। तो मैंने आपको दुर्गा सप्तशती पाठ की महिमा बताई। अब मैं इसके कुछ नियम बता रही हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती पाठ की शुरुआत करनी चाहिए, राहु काल में कभी भी ना करें। पाठ करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने, लाल रंग का तिलक लगाएं, यानी लाल वस्त्र पहने और लाल रंग का तिलक लगाएं माथे पर। और पाठ के दौरान बातचीत ना करें, यानी कोई बैठा है, बातें किए जा रहे हैं, पाठ भी करते जा रहे हैं, एक लाइन करी फिर बात करें, ऐसा नहीं। पाठ करते समय साफ सफाई विशेष रूप से करें और ध्यान भी रखें। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को एक ही दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन किसी वजह से पाठ पूरा नहीं हो पाता तो 9 दिनों भी आप पाठ को थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आपने पाठ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया तो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यानी 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। किसी को अशब्द ना बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, घर में भी प्रेम से रहें और ब्रह्मचार्य का पालन तो आपको करना ही करना है। पाठ को जल्दीबाजी में ना करें, लय वय में करें, यानी आराम आराम से, मन को शांति के साथ आराम आराम से आपको पाठ करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों को तभी फल प्राप्त होता है जब वो दिल से और नियमों का पालन करते हुए करते हैं। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, यानी ध्यान कहीं है और पाठ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ वो जो है एक प्रकार की खाना पूर्ति है। तो मेरी इस बात को गौर करें, अगर आप पाठ प्रारंभ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक, अगर आपके पास टाइम है तो धीमे धीमे करें, लयबद्ध करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। और इन 9 दिनों अगर उपवास कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर उपवास नहीं कर पाते तो व्रत रख सकते हैं, एक टाइम के भोजन वाला। तो भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, यानी नवरात्रों के 9 दिनों आपको लहसुन प्याज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदरा ध्रुव पान का मतलब बिल्कुल भी इसमें सेवन नहीं करना है। और अधिकतर तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले को जमीन पर सोना चाहिए, जहां पर माँ की स्थापना की है, कलश की स्थापना की है। अब नहीं लेट पाते आप किसी कारण जमीन पर, तो आप जहां पर माँ स्थापित की हैं वहीं के आसपास आप लेट सकते हैं। यानी शास्त्र तो कहता है जमीन पर लेटना चाहिए, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो आप ऊपर लेट सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।